सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुपर एक्साइटमेंट के साथ हमारा ये महीना स्टार्ट हो चुका है। आप सब लोगों को पता है, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें एस मुफारे सर का जो है तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। आज से 4 साल पहले उनके माइंड में एक विचार आया था और ये विचार धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल रूप में जो है अपना रूप लेने लगा, प्रैक्टिकली जो है अब बाहर निकल के आने लगा। और आज आपको अच्छे से पता है कि नवंबर का महीना, कंपनी को 4 साल, अगस्त के महीने में 4 साल पूरे हो गए थे, लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए हैं अगर हम नवंबर का महीना गिने तो आज इस 4 साल के अंदर जो 4 साल पहले जो उपज थी वो आज पूरी तरीके से इस ब्रह्मांड को, इस पूरी पृथ्वी को और इस पूरी दुनिया को एक अलग ही पहचान दिलाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। वो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको बड़े बड़े इम्तिहान से जो है गुजरना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए जिंदगी में तो आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। और जो बड़ी सफलता होती है वो कभी भी एक रात में नहीं मिलती है, एक महीने में भी नहीं मिलती है, एक साल में भी नहीं मिलती है। जो इस दुनिया को बदलने के बारे में जो व्यक्ति सोच रहा हो तो आपको क्या लगता है 1 साल के अंदर क्या ये उनका जो उनके अंदर जो विजन था, उनका जो मिशन था वो 1 साल के अंदर पूरा हो जाता? कभी पूरा होता ही नहीं। लेकिन फिर भी 4 साल के अंदर अंदर अगर एस मुफारे सर ने बहुत तेजी के साथ जो काम किया है, वास्तव में ये 4 साल भी बहुत 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 कम है। इसमें एक प्रोडक्ट को भी बनने में 7 साल 8 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे एक से ज्यादा कई प्रोडक्ट जो है रेडी हो चुके हैं। एस मुफारे सर ने जो 4 साल पहले वादे किए थे, जो जो उनके माइंड में बातें आती गई, उन्होंने वो हम सब लोगों के लिए जो है बताते गए और जो बताते गए उनको वो पूरा भी करते गए। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने समय समय पर बताई और उसको समय समय पर भी पूरा किया। ऐसे बहुत सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब ये एक हिस्ट्री बनने वाली है। ऑन पैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, कठिनाइयां, परेशानियां पैसे को लेकर के, इज्जत को लेकर के या किसी भी टाइप की कुछ भी परेशानियां होंगी, वो अब टोटली यहां से खत्म होने वाली है, टोटली यहां से फिनिश होने वाली है, लोगों की लाइफ से पूरी तरीके से आउट होने वाली है। और एस मुफारे सर ने इसी चीज को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने पैसे को या यहां से इतना बड़ा इनकम आएगा, यहां से मैं बहुत ज्यादा इनकम कमाऊंगा, इसको बिल्कुल साइड कर दिया। यहां पे सबसे ज्यादा जो ऊपर सबसे प्रायोरिटी जो दी एस सर ने, वो दी थी ह्यूमन के लिए। वो दी थी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं उन सबकी जिंदगियों में एक छोटा सा बदलाव मैं जरूर लेके आऊंगा। तो आज उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे काम हमारे ऑन पैसिव कम्युनिटी के अंदर भी किए हैं। तो उन्होंने जो बहुत सारे जो काम किए थे, उनमें से कुछ काम जो आज हम सब लोगों को मैं रिवाइंड कराने वाला हूं, क्योंकि ये एक हिस्ट्री बनने वाले हैं। जब भी आप कहीं किसी सेमिनार में जाएंगे, फिजिकल सेमिनार में या फिर किसी भी वेबिनार में आएंगे और आपको बोलने का मौका मिलेगा, तो आपका दिल, आपका मन पूरी तरीके से गदगद हो जाएगा, पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो जाएगा ये सब कुछ बताने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो जब उन्होंने फाउंडरशिप में लोगों को लाने के बारे में कहा, तो सबसे पहले तो यही एक कमाल की बात थी उनकी कि उन्होंने लोगों को फाउंडरशिप में लाने के बारे में बोला कि मैं लोगों को यहाँ पे अपना एज ए पार्टनर कह सकते हैं। एज ए फाउंडरशिप में आने के बाद अगर वो मेरे साथ यहाँ पे आते हैं, मेरे इस मिशन में आते हैं, मेरे इस मिशन में साथ देते हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये चीज थी उनके उनके लिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस एज ए फाउंडरशिप में धीरे धीरे करके यहाँ पे आने लगे। पहले था गो फाउंडर, फिर हो गया हमारा ओ फाउंडर, अब आने वाला है हमारा ओबीएस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फाउंडरशिप में लाने का जो उन्होंने सोचा था वो उन्होंने पूरा किया काम। उसके बाद उन्होंने एक चीज और भी बताई थी, डन डील सिस्टम रहेगा ये सब लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होगा, चाहे वो किसी को बताए या ना बताए, लेकिन अगर वो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फाउंडरशिप में आ जाता है तो उसके लिए हर एक काम पूरी तरीके से डन डील सिस्टम की तरह रहेगा। यानी कि डन डील हो गया, यानी कि अगर हमारा जो भी कमिटमेंट होगा कंपनी का, वो आपको 100% यहाँ पे मिलना है। तो ये डन डील सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो जीरो की टीम का हो, चाहे वो लाखों की टीम का हो, यहाँ पे सारे फाउंडर्स बिल्कुल इक्वल हैं। इसके बाद
यहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था कि मैं उसको किस तरीके से डिजाइन करूं, तो वो कुछ नया देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसरप्टिव क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है बनाए यहाँ पे। डिसरप्टिव क्वालिटी के प्रोडक्ट को उन्होंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, अपनी टीम को हायर किया, उसी तरीके से जिस टाइप के प्रोडक्ट को बनवाना चाहते थे उसी प्रकार की टीम उन्होंने यहाँ पे हायर की। उनको बहुत कई सालों का एक्सपीरियंस भी है, डिजिटल मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस भी है, और इंटरनेट पर किस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, इंटरनेट पर किस तरीके से काम किया जाता है, इस टाइप का पूरा एक्सपीरियंस है। इसलिए हमारा जो करियर है या हमारी जो लाइफ है, वो हम यूं कह सकते हैं कि हमारा करियर, हमारी लाइफ पूरी तरीके से सेफ हाथों में है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत भी नहीं है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक व्यवस्था की गई है। यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम एस मुफारिसन ने लगाया है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ आपकी आईडी पर ट्रैफिक आने वाला है। जब ऑटोमेटिक ट्रैफिक आएगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस भी जनरेट होगा। जब ऑटोमेटिक बिजनेस जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मनी भी जनरेट होने वाली है। और इसी की तो पूरे संसार को जरूरत है, पैसे की तो सबको जरूरत है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके आसपास के जितने भी लोग होंगे ना, वो सब आपके आसपास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके अपने भी आपसे दूर भाग जाएंगे। तो बस यही एक चीज होती है कि यहाँ पे पैसा अपने आप आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है ना, यही हम सब फाउंडर की सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। ओवर मार्केट वैल्यू के जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं ना, ये सबसे कमाल की चीज है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कुछ अलग हटके प्रोडक्ट बनाए हैं। किसी की कोई भी नकल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की गई है कि उसके पास ऐसा प्रोडक्ट है मैं भी ऐसा बना दूं, उसके पास ऐसा है मैं भी ऐसा बना दूं। नहीं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट बनाया गया। ओवर मार्केट वैल्यू, जिस मार्केट में, जिस वैल्यू के प्रोडक्ट मार्केट में है उसको तो आप साइड कर दो, लेकिन यहाँ पे उससे भी हटके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जिससे कि व्यक्ति एक बार अगर उसको देख ले, एक बार उसके फीचर्स को देख ले, तो वो फिर यहाँ से हिल नहीं पाएगा। वो तो यूज करेगा ही करेगा, उसके बाद एक बार घुस जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर तो और भी ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे वो सर्च करने वाला है। और इतने ज्यादा फाउंडर्स यहाँ पे जो बन चुके हैं ना, 1.4 मिलियन प्लस फाउंडर जो बन चुके हैं, यही फाउंडर्स बहुत बड़ी एक ट्रैफिक जनरेट करने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। और यहीं से हमारी जो कंपनी है यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न बनने वाली है, यानी कि पैदा होने से पहले ही हमारी यूनिकॉर्न कंपनी बनके पहले से ही हो चुकी है। और जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो समाज को बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग अब ऐसे भी होंगे जो फाउंडरशिप में नहीं आ पाए होंगे, लेकिन अब हो सकता है कि बाद में उनको पता चलेगा। अब बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी होते हैं, हम बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन पैसे न होने की वजह से हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एस मुफारिसन ने जो अपना ओ ब्लेस नाम का एक जो टूल बनाया है, अपलिफ्टिंग अप ह्यूमैनिटी के नाम से जो एक नारा है हमारा, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम सब लोगों की हेल्प करने वाला है। उसके बाद एस मुफारिसन ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया था तो उन्होंने अपने मन के अंदर सिर्फ एक ही बात को सोचा था कि यहाँ पे डू और डाई वाला सिस्टम भी मुझे अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ तो सिर्फ करना है या मरना है, यानी कि मरना तो है ही नहीं, इस दुनिया को कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और जिसने कुछ डिफरेंट इस दुनिया के अंदर किया है, उसी ने ही यहाँ पे इस दुनिया के अंदर इतिहास को रचा है। और उसके बाद अब ऑन पैसिव के अंदर जो भी नई जनरेशन होगी, वो आज हम जो लोग देख रहे हैं, वो आने वाले टाइम में हमारी आने वाली जनरेशन उसको पढ़ने वाली है। और यहाँ पे हम सब लोग बहुत बहुत ज्यादा टॉप पर पहुंचने वाले हैं, और इतने ज्यादा टॉप पर पहुंचने वाले हैं कि आपके जो कान है ना, वो पॉप होने वाले हैं। पॉप का मतलब ये होता है कि आपके कान बहरे होने वाले हैं, यानी कि इतनी ऊंचाई पे आप पहुंचने वाले हैं। सो हमारी जो लाइफ है वो एक अच्छे शेप में आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि हम यहाँ पर एज ए फाउंडर पोजीशन पर तो है ही, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होगी पैसिव इनकम, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो है पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि पैसा जो है ऑटोमेटिकली जो है लोगों के पास यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक व्यवस्था की गई है। तो इसलिए हमारी जो शेप है, हमारी जो एक लाइफ स्टाइल है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एक लाइफ स्टाइल हमारी बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे बनने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, दो चीजों पे एस मुफारिसन ने इस पर काम किया है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट पे जो है, जब हमारे घर के अंदर मोबाइल फोन होता है तो आज मोबाइल फोन आपके हाथ में है, कल शाम को देखा तो आपके बच्चे के हाथ में भी हो सकता है कि उसमें वो काम की भी चीज देख रहे हो, लेकिन स्क्रॉल करते 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 उनके सामने कोई गंदी भी चीज आ जाती है। तो यहाँ पे एस मुफारिसन ने एक चीज को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है कि यहाँ की जो पॉल्यूशन है ना, इसका सबसे बड़ा हल हमें निकालना है, इस पॉल्यूशन को साफ करना है। सॉल्यूशन फॉर द पॉल्यूशन, आपने एस मुफारिसन के मुंह से कई बार सुना होगा
दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द पॉल्यूशन। यहां से पॉल्यूशन को पूरी तरीके से साफ करना है और करप्शन, जी हाँ करप्शन को पूरी तरीके से यहां से हटाना है, उसका करेक्शन करना है, करेक्शन फॉर द करप्शन। तो ये दो चीजें जो थी यहां पे जो बहुत तेजी से यहां पे तेजी से बदलने वाली है। इसके अलावा टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन लोगों को जब यहां पे मिलेगा तो लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट जो है हम सब लोगों के पास आने वाले हैं। टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन, आप किसी भी कैटेगरी को हो, आप कोई भी काम करते हो, यहां पे आपको हर टाइप का प्रोडक्ट यहां पे मिलने वाला है जो आपके ऑनलाइन काम को बहुत तेजी से स्मूथ और बहुत तेजी से फास्ट करने में आपकी हेल्प करने वाला है। और एक इंटरनेट की जो ये दुनिया है ना, वो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ही सालों में, एक साल दो साल में पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। और यहां पे सब लोगों का एक ही नारा रहता है, और एस मोपारेसर ने एक बात जो हम सब लोगों से बोली थी कि यहां जो आ गया वो 100% यहाँ पे विन विन सिचुएशन में रहेगा, यानी कि इन टू विन इट। ये जो लास्ट का हमारा जो सबसे अच्छा स्लोगन है इन टू विन इट का, इसका मतलब यही है कि जो अंदर है वो 100% सिकंदर है, यानी कि अब जो बाद में कस्टमर आएंगे, रीसेलर आएंगे, अब ये उनके पे स्ट्रक्चर पे या हमारा जो भी प्लान स्ट्रक्चर होगा ये उस पर डिपेंड करता है कि उनको किस हिसाब से इनकम यहाँ पे जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पे फाउंडर्स की जो जीत है, फाउंडर्स की जो विन विन सिचुएशन है, वो पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है। यहाँ पे हम सब लोग अंदर हैं तो 100% हम सिकंदर हैं। तो ये सारी बातें जो आज से कई सालों से जो एस मुफारिस सर हमसे कहते आ रहे हैं, वो समय समय पे वो हम सब लोगों के सामने पूरे भी करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो बहुत सारे बातें एस मुफारिस सर ने कही थी वो मैंने आपको याद दिला दी। बहुत सारे हमारे नए फाउंडर हैं जिनको शायद ये सारी बातें पता नहीं होंगी, अब उनको सारी बातें पता चल गई होंगी कि उनका करियर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हाथ के अंदर है। आपका करियर, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी, वो सब कुछ आपके सेफ एंड सिक्योर हाथों में पहुंच चुकी है। आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को नए फाउंडर्स के पास आप एक बार जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। वी आर इन इट टू विन इट।